एवरीवन, इट्स मी मधु पांडे, नो योर फिक्शन, वेलकम बैक। फर्स्ट टाइम हो तो वेलकम। एपिसोड 7 आ चुका है ड्रिफ्ट मार्क, इसमें बहुत सारी चीजें हो गई, अनदर टाइम जंप। तो शुरू से शुरू करते हैं। फर्स्ट सीन हम लोग ये देखते हैं कि लैना का फ्यूनरल है, उसको वैलेरियन स्टाइल में उसका फ्यूनरल है। फिर यहाँ पे जो लोग हैं वो थोड़े ऑकवर्ड हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये लोग काफ़ी साल से एक दूसरे से मिले नहीं हैं, ये लोग तो एक ऑकवर्डनेस है ही। सब एक दूसरे को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तो क्यूट सीन ये है कि रैनर अपने बेटे से बोलती है, जैक से बोलती है कि तुम जाके अपने कजिन्स को कंसोल करो, तो वो ही बोलता है कि हमें यहाँ पे नहीं। ये बोलता है कि हम लोगों को हैरल में होना चाहिए अपने फादर, ऑब्वियस सी बात है, और अपने ग्रैंडफादर को मॉर्न करने के लिए। किड्स डजंट नो पॉलिटिक्स, दिस किड एक्चुअली डजंट नो पॉलिटिक्स। और वाइसेरियस डेमन को बोलता है कि अब वापस आ जाओ तुम, काफ़ी टाइम हो गया है। तो डेमन उसको सीधे से मना कर देता है नहीं, और डेमन वहाँ से चला जाता है। और एक सीन और यहाँ पे होता है कि जो एगॉन है, जो वाइसेरियस का बड़ा बेटा है, ये काफ़ी मतलब ड्रंक रहता है, मेट्स पे ध्यान है उसका। और उसका एक सीन हेलेना का ये भी दिखाता है कि वो इंसेक्ट से ऑब्सेस्ड है। और ये एगॉन और हेलेना ये बिथ्रोड है, इन लोगों की शादी होगी। और वहाँ डेमन निकलता है, उसके पीछे पीछे रनैरा भी जाती है, इन लोगों की कॉन्वर्सेशन होती है। देन ये दे हुक्ड अप, और इन लोगों की कॉन्वर्सेशन भी काफ़ी अच्छी थी। वो बोलती है तुमने मुझे अबैंडन कर दिया, तो बोलता है तुम चाइल्ड थी, तो वो भी बोलती है मतलब ये अपने जो पुराने रिजेंटमेंट्स थे इनको थोड़ा सॉर्ट करते हैं। उधर एमंड, एमंड मैंने पहले किसी वीडियो में बताया था कि बहुत एम्बिशियस है और उसके पास ड्रैगन नहीं है, तो वो लेफ्ट आउट फील होता है। तो वो जो होता है वो लैना के जो वेगार को क्लेम कर लेता है, उसको क्लेम कर लेता है, वेगार उसको मिल जाता है। राइना, बेला, लूक एंड जैक, इन सबको पता चल जाता है। फिर कट टू द सीन, लिसेंट बोलती है किंग को, बोलती है, बट किंग ऑब्वियस सी बात है वो हमेशा सी रेनेरा को फेवर करता है, तो वो नहीं कुछ करेगा। वो आई फॉर एन आई मांग रही है, मतलब वो तो बच्चों की मिस्टेक है, तुम एडल्ट होके आंख मांग रहे हो बच्चे की। Who did this? He touched me. He touched me. Silence. Silence. Your grace. Alison, stay with the king. Hold your ground. Do not touch me. This is absurd. वो किंग नहीं मानता। क्रिस्टन, सर क्रिस्टन कोल को बोलती है, तो वो भी रिफ्यूज कर देता है, कहता मेरा काम तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। देन एलिसेंट वैलेरियन नाइफ निकालती है और चार्ज करती है किड पे, मतलब बच्चे की आंख खुद ही निकाल रही है, पागल हो गई है पूरी कोर्ट के सामने। शी हैज लॉस्ट इट। बट रेनेरा, ऑब्वियस सी बात, हम लोगों ने ट्रेलर से देखा था, जब से हाउस ऑफ द ड्रैगन का ट्रेलर आया है तो ये सीन हमें ऑब्वियस सी बात है कि पता है कि ये होगा ही, ठीक है। तो रेनेरा इधर, एलिसेंट, रेनेरा, एलिसेंट, रेनेरा, एलिसेंट। तो क्रिस्टन कोल आता है बचाने के लिए, बट डेमन रोक देता है। यही सब सीन है। Do not mourn me, mother. It was a fair exchange. I may have lost an eye. इसका जो था वो फेयर एक्सचेंज था, आई उसने गवा दी, बट उसको वेगार मिल गया, स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन ऑफ दैट एरा। फिर इसमें क्या होता है कि रेनेरा के हाथ में चोट लग जाती है, उसको काफी उसका ब्लड वगैरह गिर गया, ठीक है। वहां पे फिर एलिसेंट और उसके फादर हाई टावर, हैंड ऑफ द किंग, ये लोग बात करते हैं कि हाई टावर एलिसेंट को बोलता है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम्हारे अंदर ये है, बट यू कैन प्ले अगली गेम, ओके। मतलब क्रक्स वही था। और जो लेनोर है अपनी सिस्टर की डेथ से बहुत ज़्यादा डेविस्टेटेड है, मतलब उसकी जो लाइफ है ना, उसको मतलब अभी उसकी सिस्टर मर गई है तो अपने लाइफ को मेजर करने लग रहा है, मतलब एक एक मतलब कुछ सवाल जो है उसकी लाइफ पे उसको नहीं आंसर कर पा रहा है वो। उसका कुछ सीन ऐसा हो गया, मतलब ऑब्वियसली बात उसकी सिस्टर की डेथ हुई है तो वो थोड़ा हिल गया है। और इधर डेमन और रेनेरा बात करते हैं कि ये लोग शादी कर लें। डेमन नहीं, रेनेरा उसको
बोलती है कि ये लोग शादी कर ले बिकॉज दे आर फायर एंड फायर दे मैन टू बर्न टूगेदर. वैलेरियंस आर ऑफ सी बट दे आर सपोज टू बर्न टूगेदर. तो ये लोग शादी कर लेंगे तो जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा सॉर्ट हो जाएंगे कि रेनेरा का जब हस्बैंड डेमन होगा, प्रिंस का कौन सा डेमन होगा, तो और तो उसके जो थ्रोन को कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा, उसका जो क्लेम है थ्रोन पे उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा. बट उसके लिए लेनोर को मरना पड़ेगा. जब मैंने ये सीन देखा मैं यही होप कर रही थी ऐसा ना हो ऐसा ना हो ऐसा ना हो, ये लोग इविल ना हो ये लोग इविल ना हो. फिर कट टू द सीन, डेमन किसी ब्लैक हेयर पर्सन को मार देता है और फिर जो उसका लवर होता है लेनोर का, ये दोनों लड़ रहे होते हैं. इससे पहले एक सीन और होता है कि डेमन उस लवर को कुछ पैसे दे रहा है. फिर ये लोग कट होता है सीन, इन लोगों में फाइट हो रही है. वहाँ पे एक बच्चा होता है, वहाँ जाके नाइट्स को बुलाता है, लोगों को बुलाता है. जब ये लोग आते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे कॉलिस और रेनिस भी है, तो एक बॉडी ये लोग फायरप्लेस से निकालते हैं. उसके बाद का सीन है डेमन और रेनेरा की शादी हो रही है, इन लोगों के बच्चे शादी में हैं और ये प्रॉपर टारगेरियन वेडिंग है. ब्लड टू ब्लड, फ्लश टू फ्लश, आई एम योर सन योर माइन. थैंक गॉड फॉर द लास्ट सीन. इन लोगों ने लेनोर को मारा नहीं. लेनोर वैसे भी इन सब चीज़ों से बहुत थक चुका है, नोबेल्टी से थक चुका था, वो अलग होना चाहता था. तो ये लोग लेनोर को कहीं भेज देते हैं, लेनोर उसके लवर. एंड सीन यही है कि लोग बोट से कहीं जा रहे हैं ऐसी जगह जहाँ पे नेमलेस रह सकते हैं, और लेनोर ने शेव कर लिया है, हेड शेव कर लिया है. एंड थैंक गॉड कि डेमन और रेनेरा को इन लोगों ने ईवल नहीं दिखाया क्रिएटर्स ने. और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, बुक में लेनोर मर जाता है और ये बुक के हिसाब से बहुत बड़ा चेंज है. ये जो चेंज किया है इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो बुक में इंसिडेंट्स हैं जो हम लोग सोच रहे हो सकता है, उसके अलावा भी चीज़ें हो सकती है. क्योंकि अगर ऑब्वियस सी बात है बुक के हिसाब से जाएगा तो हमें पता ही है कि कल क्या होने वाला है. So let's see what happens. If you enjoy the video, if you are new here, then do me a favor, subscribe, and if you really enjoy the video, then like the video. Thanks for watching. See you next time.